पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी इन दिनों अपने यूपी बिहार के भैया वाले बयान को लेकर विवादों में हैं, जिसके बाद अब कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बचाव में एक बयान दिया। कन्हैया ने कहा कि मैंने चन्नी के बयान की तफ्तीश की, जिसमें ये बात सामने आई कि उन्होंने पंजाब में बाहर से आकर काम करने वालों और वहां आकर बसने वालों को लेकर कुछ नहीं कहा। उन्होंने साफ तौर से दिल्ली से आकर पंजाब में राज करने की मंशा रखने वालों के लिए ये बात कही थी। कन्हैया ने कहा कि वो उन चालाक लोगों के खिलाफ बात कर रहे थे जो सामने चेहरा भगवंत मान कर रखते हैं और सारा खेल अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। एबीपी न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि देश के किसी हिस्से में चुनाव हो रहा हो, यूपी बिहार की चर्चा जरूर हो जाती है। इसकी वजह यह है कि इन दोनों ही राज्यों में सरकार की असफलता के चलते कमाई के लिए, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, यहां तक कि शादी के बाद घूमने तक के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। नतीजा ये होता है कि हम अपनी ईमानदारी और मेहनत से एक जगह बना लेते हैं, वहीं का आधार कार्ड और वोटर कार्ड बन जाने से कई सीटों पर यूपी बिहार के लोग वहां हार जीत तय करते हैं। कन्हैया ने दावा किया कि उन्होंने अलग से सीएम चन्नी से बात की, जिसमें उन्होंने यूपी बिहार वालों के साथ पंजाबियों के कल्चरल रिश्ते की बात की। उनकी नाराजगी उन लोगों से है जो बाहर से आकर पंजाब में राजनीतिक रूप से राज करना चाहते हैं। कन्हैया ने कहा कि चन्नी ने उनसे कहा है कि उन्हें यूपी बिहार का मजदूर तो चाहिए ही, अगर ट्रेन नहीं चलती तो बस भेजकर हम यूपी बिहार से मजदूर बुलाते हैं। कन्हैया से जब पूछा गया कि पंजाब को यूपी बिहार का मजदूर तो चाहिए, लेकिन अगर यही लोग आकर राजनीति करने लगे तो वो खटकने क्यों लगता है, इस पर कन्हैया कुमार ने कहा कि ये हम बिहार में भी नहीं चाहेंगे। कोई बाहरी आकर वहां का मुख्यमंत्री बन जाए, हम बिहार के लोग हैं तो हम चाहेंगे कि बिहार का ही नेता मुख्यमंत्री बने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।